चैनल में आपका एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर सैनी सम्मेलन के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने जहरीले बोले। जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार को महाराज सैनी जयंती के अवसर पर सैनी समाज द्वारा आयोजित किए गए मेधावी छात्र छात्रा अलंकार समारोह में समाज के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में सैनी समाज के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष समाज के मेधावी छात्र छात्राओं की पुरस्कार करने के लिए महाराज सैनी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस बार भी थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के राम लटिल्ला पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खिलौती के भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस कार्यक्रम के सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं द्वारा बताया गया है कि सब से देश के आजाद हुआ है तब से राजनीतिक दलों के द्वारा सैनी समाज का शोषण किया जा रहा है। उनके समाज का वोट हासिल कर लिया गया पर काबिज होकर फिर भी उनके समाज के लोगों के लिए भूल जाते हैं, जिस कारण हमारे समाज में कोई भी कार्य नहीं हो पाता, जिस कारण बेरोजगार युवक व युवतियों हमारी आत्महत्या कर लेते हैं तथा गरीब आमजन पिछड़े वर्ष का शोषण किया जा रहा है। इस दलित और पिछड़ा वर्ग समाज के अंदर 75% लोगों की 75% हिस्सेदारी की जगह अभी 25% है और 25% लोगों के पास आज 75% की हिस्सेदारी है। व्यवस्था जो ऐसी बनी देश की, जो संविधान में लिखा था उसको तो किसी ने छुआ तक नहीं। आर्टिकल 15 और 16 की स्थिति में सबके हक बराबर थे, लेकिन किसी ने बराबर की बजाय आज दलित समाज की हिस्सेदारी 13% और पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी सिर्फ 12%। ये व्यवस्था उन लोगों ने की है जिन लोगों के हाथ में राजकाज रहा, सभी अपर कास्ट के लोगों के हाथ में राज रहा और उन लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को ही आगे बढ़ाया, बाकी ये कमज़ोर तबका तो सिर्फ गुलाम बनकर जी रहा। आज भी आज़ाद भारत के 70 साल बाद भी हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। सर साहब, अपने हरियाणा में पार्टी का विस्तार किया, काफ़ी बवाल हुआ, क्या मुजफ्फरनगर यूपी में भी पार्टी देखिए पार्टी हमारी काम कर रही है। यहाँ का हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं और हमारी पार्टी यहाँ लगभग खुर्जा अलीगढ़ से लेकर के और बुलंदशहर भेट तक सभी जिलों में हमारा पार्टी का संगठन है और यहाँ भी जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी, जैसे अब दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है तो यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? लगभग हमारा 4 पार्टियों का अलायंस है तो हम 8-8, 10-10 सीटें सभी लड़ेंगे। समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? समाज को मैं अपील कर रहा हूँ, कार्यक्रम चला आ रहा है, 1 जनवरी को प्रति वर्ष ये सैनी समाज का कार्यक्रम होता है और जो हमारे होनहार बालक हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। सैनी साहब, 20 दिसंबर दंगे के बाद लगातार जो दूसरी पार्टियों के लोग पीड़ितों के यहाँ आ रहे हैं, जिन्होंने दंगा किया वही आज अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, क्या कहना चाहते? पीड़ित तो पुलिस है जी, पीड़ित तो वे लोग जिनकी दुकान में जला दी, जिनकी गाड़ियाँ में आग लगा दी, पीड़ित कहाँ है? ये तो आज तई लोग थे, उनके पास तो आना ही चाहिए। तो राजनीति चल रही है? राजनीति चल रही है, दंगी राजनीति है, देश के खिलाफ राजनीति है। आप शासन में है, क्या किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई करवा दी जो पुलिस ने कहा है, ठीक किया। ऐसी कार्रवाई यदि आगे भी होगी, यदि कोई सिर उठाएगा इस प्रकार से, किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? आज यहाँ वीपी सिंह ने रामलीला किले पर बचाए रखने के लिए 9 वर्ष के उपलक्ष्य में महाराजा सैनी जयंती समारोह कर दिया, उसके बाद 5-4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के सम्मानित किया जा रहा है। एक रिट पिटीशन डाल दी के 50% से ज्यादा आज इस कार्यक्रम में आरक्षण हमारे जो है ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिलबाग सिंह सैनी जी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, साथ ही राजकुमार सैनी जी जो पूर्व सांसद हैं पूर्व क्षेत्र से और वर्तमान में लोकतंत्र सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो हैं, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आज उन्होंने जो है राजकुमार सैनी ने अपने समाज को संदेश दिया कि जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिवाजी का खास कार्यक्रम होता है यही, आज के दिन जो है मेन बात ये है, जो अपने समाज में जो अपने समाज के जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जिसमें कोई 90% बच्चा अंक लेकर प्राप्त होता है, कोई 80% लेकर प्राप्त होता है, तो हम उनको यहाँ पे सम्मानित करते हैं ताकि वे जीवन में और अधिक अंक लाकर जो है अन्य बच्चों की तरह। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को